हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीचिंग एसएसपी। तो आज मैं आपको महाराष्ट्र सीईटी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कॉलेज आपको मैं कॉलेज एडमिशन, एग्ज़ाम पैटर्न और पार्ट, इसके बाद में क्राइटेरिया, अटेम्प्ट, एज, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस, सिलेबस, सब्जेक्ट सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कैसे करें वो भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सब फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको ये वीडियो में। तो वीडियो को फुल पूरा वॉच कर लेना। तो हमारे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर करना। और अगर वीडियो आपको लास्ट तक अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चलो चलो शुरू करते हैं। सीईटी किस परीक्षा के लिए ली जाती है? तो सीईटी जो परीक्षा है, सीईटी परीक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ली जाती है और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अगर आपको सीईटी देना तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। एग्ज़ाम के दो पार्ट्स होते हैं, सीईटी एग्ज़ाम के टू पार्ट्स होते हैं। सीईटी की एग्ज़ाम देने के लिए 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी, 12th पास होना बहुत ज़रूरी है आपको। और जब भी आप सीईटी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके साथ आधार कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है, उसको इन्फॉर्मेशन बहुत लगती है। आधार कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ और बर्थ नेम। इस एग्ज़ाम के थ्री सब्जेक्ट होते हैं, आपको थ्री सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री एंड नंबर 3 बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी 2 ग्रुप्स है, नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी। ये दोनों भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, और जिसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई करना है उसे पेपर 1 एंड पेपर 3 देना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो तभी आप पेपर 1 एंड 3 दे सकते हो। और सीईटी एग्ज़ाम का टाइम है पेपर देने का 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में आपको पेपर देना है। और आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हो, सपोज इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस जिसमें आप पेपर दे सकते हो, हिंदी एंड उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो फ्री एकदम, ये 3 लैंग्वेजेस में। और सीईटी देने के लिए आप भारतीय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन हो तो भी सीईटी दे सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या अपंग हो तो आपको 12th में 45% होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50% होना चाहिए 12th में, एज लिमिटेशन। तो सीईटी के लिए तो कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो, कितने बार भी अटैम्प्ट दे सकते हो, फ्री लिमिटेशन है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीईटी की आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको सीईटी के बुक्स के वीडियो चाहिए, बुक्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सीईटी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरे देख लेना। मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ लिंक।